जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ, खाते जाओ खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। दुनिया तुम्हें देगी ताने, पर तुमने नहीं छोड़ने खाबे। हंसते और हंसाते जाओ, जो मुँह से गाली तुम खाते जाओ। मोटे लोग छोटे लोग पहले लोग पहले लोग मोटे लोग, फैट फैमिली सारी दुनिया करेगी एक ही बार। फैट फैमिली फैट फैमिली, हा हा मोटे लोग मोटे लोग, हा 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 हा, फैट फैमिली। डोंट टेल मी, तुझे पता है तेरी मोना मेरे बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन है। इसका मतलब जो कोमा में गया है वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है? अल्लाह ना करे उसका बड़ा भाई कोमा में गया। यतीम खाना देखा हुआ है? जी जी साहब जी। उसकी नुक्कड़ भी देखी हुई? जी बिल्कुल। वहाँ पे क्या होता है? वो जी कीचड़ छोलों वाला। ओए कीचड़ छोलों वाला नहीं, चिक्कड़ छोलों वाला होता है जी। के पास जा और चिक्कड़ छोले। किस कदर कयामत से गुजरे हो तुम, कितना थक गए हो गए। काश मैं इस वक्त तुम्हारे पास होती, तुम्हारा सर दबाती, तुमसे गुफ्तगू करती। भई आपसे तो इंशाल्लाह पक्की दोस्ती हो जाएगी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आप भी बड़े मुअज्ज़ज़ और बाअख़लाक़ किस्म के इंसान सुनाई दे रहे हैं। तो अगर आपके पास वक्त हो तो कल लंच आप हमारे साथ करें। अभी हम उनसे मिलने जाएंगे, उसके बाद उनसे वाकफियत होगी, फिर दोस्ती होगी, और फिर वो दोस्ती बदली जाएगी रिश्तेदारी में। शेख चिली मत बनिए, होश करें होश। साहब जी आपने बुलवाया था? हाँ वो कल हमारे बहुत ही होने वाले अजीज दोस्त आ रहे हैं खाने पर, और खास बात यह है कि उनकी बेटी अहमद की क्लास फेलो भी है, तो बहुत ही खास इंतजाम होना चाहिए। साहब जी मैंने अपनी आसानी के लिए बट मेन्यू बनाया है। बट मेन्यू क्या है? सूप, क्रैकर्स, फिश, प्रॉन्स, ड्रमस्टिक, चिकन राइस, मसाला राइस, चार पांच ग्रेवी वाली चीजें और चौमीन बना लाता हूँ। तो ये चाइना के बटों का मेन्यू है, सब चाइनीज। बट साहब, साहब जी और भी है, नान रोस्ट, गुला कबाब, ब्रेन मसाला, चिकन कढ़ाई, वेट मटन, दम का कीमा, मटन चाप और मिक्स वेजिटेबल के साथ चीज, रोगनी, कलवंजी और गार्गल नान मंगवा लेता हूँ। बस बस कर जी, बोलिए मैं भूख लग गई है मुझे। ये बट मेन्यू में से कुछ मिल जाएगा? बनवाना पड़ेगा साहब जी। अच्छा ठीक है, नहीं जो भी फ्रिज में आया गरम करके ले आओ थोड़ा सा। जी साहब जी अभी लेके आए। सच कहूं तो ना आप बच्चे और ना हम भूल भुलैया, जब मिलेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ? सब कुछ, तहफ्फुज का एहसास, अपनाइयां का एहसास, चाहे जाने का एहसास, किसी के हो जाने का एहसास, एहसास। I love you, मुराद। भूख के साथ ख्यालात की शिद्दत पकड़ रहे हैं, न जाने वो धमाल कहाँ तक पहुंची है। मेरी मोना मेरी शोना, मेरी मोनी मेरी शोनी, तेरी आंखें तेरी पलकें। नहीं
तेरी आंखें, तेरी पलकें, तेरी जुल्फें, वाह समीर वाह। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, ओ किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भी जिंदगी में दुखों के अलावा देखा ही क्या है। छिछोरे, मैंने कब कहा कि मैं तुझे लेने आया हूँ? तो फिर गोरो भाई, मैं तुम्हारा कल हूँ। तो आज क्या लेने आए हो? तुम्हें समझाने आया हूँ। मतलब लेट हो गए हो भाई। शट अप। ये सब क्या कर रहे हो? क्या कहानी और सब किरदारों को अपने साथ संजीदा क्यों कर रहे हो? मतलब भाई, सबको अपने मतलब से है। अभी तुम्हें ये तकलीफ है कि सब तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। हर्ट भी करते हैं भाई, दिल तो खाते हैं मेरा भाई। जरा सोच, तू सबके फोकस में आ जाएगा, सब तुझे बहुत प्यार देंगे और साथ में देंगे बहुत सारी जिम्मेदारियां। एक परफेक्ट शौहर जिसकी बीवी की तमाम जिंदगी सिर्फ उसी के गिर्द घूमती है। आई लव यू सो मच जानू। एक जिम्मेदार बाप जो बच्चों की दिल से तरबियत करता है और उनकी परवरिश की खातिर दिन रात कदे की तरह मेहनत करके पैसे कमाता है। और आखिर में एक ताबेदार बेटा जो बहुत सी जिम्मेदारियां निभाता है, उसका बाप उस पर फख्र करता है और वो अकेला सफर करता है। नहीं! मुझे इस इज्जत भरी जिम्मेदारियों भरी और इस किस्म की खुशियों भरी जिंदगी से आजादी दिला दो भाई। मेरे अभी तो अंदर एक बच्चा है जो जवान होना है, उसने शरारतें करनी है, उसने मस्तियां करनी है भाई, प्लीज भाई। तो खुद ही ड्री ट्रैक हो गए थे, अब जितनी शरारतें और मस्तियां करनी है फौरन अगले एपिसोड से शुरू कर दो। बहुत ड्रैक कर रहे हो तो है भाई, ठीक है समझे भाई। आप जो भी हो, आते आपने मेरा तरा निकाल दिया, लेकिन भाई आपने बातें बिल्कुल सही की। भाई प्यारे भाई, भाई क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि खुदा हमारी खुशियों को नजर ना लगाए और हमारी फैमिली ऐसे ही एक क्यूट, एक स्वीट फैमिली बनके जिंदगी को सेलिब्रेट करती रहे। आमीन। वैसे आफ्ताब, जिंदगी में कितने चेंजेस आ जाते हैं ना। मसलन क्या? जैसे कि इस घर से एक बेटी जाएगी तो एक बेटी आएगी भी। मैं एक्चुअली बिल्कुल यही सोच रहा था कि एक बेटी घर आएगी तो सही, अगर दूसरी बेटी भी एक बेटे जैसा घर दमाद ले फिर तो कमाल ही हो जाए। वैसे आफ्ताब मुझे एक बात बताएं जी, जब अकल बट रही थी तो आप कहाँ थे? सबसे आगे। मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, इस घर में 5 साल तक किसी बच्चे की शादी की बात नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा थोड़ी कोई हो सकता है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, मुझे रात को परेशान करता है, इसका जवाब आप ही दे सकती हैं। जरा तवज्जो से सुन रही है ना? जी। वो ये है कि शादी वाले दिन समीर को सूट सूट करेगा या शेरवानी? आप भी। ओए मैं मजाक कर रहा था यार, इतनी जोर से मार रही हो। तो शेरवानी फिर। हाँ अम्मा, पहले मुझे सोनू कम खपाता है, अब मुझे सलीम के नखरे भी उठाने पड़ेंगे। 3-4 दिन इज्जत कर लूंगी बस, उसके लिए काफी है। अम्मा, अच्छा मैं भी जा रही हूँ हॉस्पिटल में, आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। क्या चल हुस्ना, हिम्मत पकड़, मजाजी खुदा है जाना तो पड़ेगा। क्या तकलीफ है? वो आवाजें। कौन सी आवाजें? अजीब खौफनाक आवाजें। खौफनाक आवाजें? मजाक ना करो सिस्टर, बताओ। पक्का? आपकी कसम आवाजें। मैं सदके जाऊं, अस्पताल से कुछ साथ लग तो नहीं गया? कैसी आवाजें? गुर 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 गुर
कोई बहुत ही खौफनाक बला लगती है सोनू, ये आवाजें कमरे से आ रही है ना? नहीं, पेट से। I'm hungry. जान निकाल दी थी। तुम हंगरी, तुम्हारे अंदर का तो बेटा मैं अभी आ जाऊं। चलो तुम, तुमने क्यों तमाशा बनाया है? अब क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर सोई नहीं? जाहिर है, तू नहीं सोया? हॉस्पिटल में अभी अपने लिए कमरा लिया है, नींद में ही बात कर रहा हूँ तुमसे। डूड, तो कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रहा? वाकई नहीं, बस। देख, तू परेशान है इसलिए मैं कंसर्न दिखा रही थी, लेकिन तू ओवर ही हो रहा है। मसला क्या है तेरा? नहीं, तू देख ले तेरा क्या मसला है, मैं फिर फोन कर लूंगी। दूंगी। हेलो हेलो, कोई तो हमला ठीक कर लिया कर अहमद भट्ट। शोखे होने और हर वक्त शोखे होने में फर्क होता है। शोखे, क्या बताएं हम आपको, धमाल डाल डाल के हमारे तो पैर ही सूज गए, पर हम ना रुके। हमारे दिल में दिमाग में सिर्फ आपका चेहरा था, वजह थी कैफियत थी, और हम नाचते रहे नाचते रहे नाचते रहे। अब आपने गलत किया, शुक्रिया। अब कैसी हैं आप? क्या बताएं, अभी तक जैसे ये सारी दुनिया घूम रही है और हमारे पैर शल हो गए, ठुस ठुस कर। अगली बार जोगर पहन के धमाल डालिएगा। अगली बार? अगली बार तो आप हमारे साथ होंगे, अगर हम गिरे ना तो संभाल लीजिएगा हम। मैं तो धमाल डालते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। मुराद, मैं आपके साथ किसी हसीन वादी में खो जाना चाहती हूँ, जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, बर्फ के पहाड़, हाथों में हाथ हो, मैंने साड़ी पहन रखी है और टेम्परेचर माइनस में हो, कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो, सिर्फ प्यार हो और प्यार के लम्हे हो, बस और कुछ भी नहीं। और नाना, वो सर्दी लग जाएगी आपको, बुखार हो जाएगा। अरे, बीमारी कैसी, जवानी को डर कैसा? हाँ, आप ही ना, बस अब निकल आइए, इन एहतियाती तदाबीरों की दुनिया से निकल के बाहर आ जाइए। और आपको पता है वो दुनिया के जहाँ हम और आप साथ होंगे वो कितनी हसीन होगी? तसव्वुर कीजिए उस दुनिया का जिसमें सिर्फ हम होंगे, खुशियाँ होंगी और कुछ भी नहीं, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत, रफाकत, उनसियत, चाहत और बस कुछ भी नहीं। हेलो हेलो मुराद। हेलो, जी मैं इधर ही हूँ। खो गए थे ना हमारी उस प्यार भरी दुनिया में? वो हम बेसब्री से आपके फोन के मुंतजर रहेंगे। आप ऐसा करें, एक गर्म पानी की बाल्टी लें, उसमें नमक डालें, उसमें पैर डालें, आपको सुकून मिलेगा। सुकून तो हमें बस आपकी आवाज सुन के मिलता है। तो इतनी टेंशन में क्या तुझे फोन करता? जाहिर है, आई एम योर फैमिली डॉक्टर। और तू सारे शहर में कला डॉक्टर नहीं है, हम मर जाएं? नहीं, पहले हेलीकॉप्टर देकर फैजी को बुलाओ। फजली, फजली नाम है मेरा। और यार बट एक बात बता मुझे, और तुम अपने अलावा किसी और की इज्जत करते हो? देख डॉक्टर फजली, मेहरबानी कर, मेरे दिमाग की दही ना बना, तू आराम से चाय पी। रब का शुक्र है कि सलीम बिल्कुल ठीक है। तू मेरे दिमाग में और बता दिया ना, फिर चाह पी और उसको जाके मिल। ओहो, वाह वाह, ये जो लहजे में इतनी आवाज आ रही है, जरूर उस लड़की ने तुम्हारी मत मारी है। देख बट, मेरे यार, मैं तेरा दोस्त भी हूं, मुझे बता
बता कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। यार फजली, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा। एक बेकाबू सांड की तरह सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ हूं। तो ऐसा क्या करने वाला भाई तू? और तो इस उम्र में क्या घूंघट उठाऊं? तो इसमें बुराई क्या है? और तू किसी को धोखा तो नहीं ना दे रहा? और चीन में तो 100-100 साल के बाबे शादी कर रहे हैं, और तू, और तुम तो जस्ट जस्ट क्या जस्ट जस्ट अपनी औलाद को क्या बताओ कि मैं जस्ट 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 लेट मी थिंक। फैट फैमिली मुझे लगे सोनी नखरा तेरा बातें तेरी दिन भी तेरे रातें तेरी तू ही मेरी बेबी डॉल तू ही बारबी मेरी न लंबी न बोनी मुझे लगे सोनी। ओ बेबी पूरी रात बैठ के मेरे लिए लिखा है, अब मैं क्या लिखूं? तू ही मेरा हलवा पूरी तू ही मेरा सोन हलवा तू ही गाजर तू ही सूजी तू ही मेरा काजू बादाम का हलवा सबसे भड़कर चाहूं तुझे ना चांदी ना सोना तू ही लगे सोना तू ही लगे सोना तू ही लगे सोना वाह वाह मोना। तू सोचता रहे डॉक्टर, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? ये ले मेरा मोबाइल, उसका नंबर ब्लॉक कर और फिर डिलीट मार दे। उसकी यादों को कैसे डिलीट करोगे मेरे दोस्त? कैसी यादें, मैं तो मिला भी नहीं। वो यादें जो अभी बननी हैं, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा, तन्हाई में मुस्कुराहट की वजह। क्या? हाँ तो और क्या, सारी जवानी पैसा कमाने और औलाद को पालने में अकेले ही गुजार दी। कल को जब आखिरी वक्त में बूढ़ा बीमार होगा तो यही सोचेगा ना, यार मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तेरे जैसे दोस्त पहले शैतान की तरह वरगलाते हैं और फिर भाग जाते हैं। ओ यार भट्ट, इसमें मेरा क्या फायदा है? एक बार डरना छोड़ और एक बार शकीला को मतीरा, यार मतीरा हो या शकीरा, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो तेरी अच्छी दोस्त साबित हो, तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी ले आए। चल अब तू भी धमाल डाल तो सेट हो जाएगा तू। क्या मतलब? धमाल डालेगा तो सेट हो जाएगा, फिजिकली फिट हो जाएगा तू। मतीरा, देखो तुम हमारे खास सिपाही हो, हमें तुम पे हमेशा फख्र रहेगा। तुम हमारे खास ताबेदार बच्चे और रशीद, नगीने और नगीने, हमें तुम्हारी कदर हो गई है। शुक्रिया साहब जी। यार देखो हमारे साथ ऐसे तो ना करो। मैंने क्या किया है साहब जी? देखो यार, नाश्ते की टेबल पे चीजों को देख के दिल को तसल्ली हो जाती थी। अब काफी दिनों से सब कुछ तुम्हारे अंडर है, तो यार हमें कुछ डंडी तो मारने दो ना। जी आप हुक्म करें, मैं आपका राजदार भी हूँ और वफादार भी। अच्छा तो फिर इस तरह करो कि दो वल्लों वाले पराठे, दो फुल अंग्रेजी ऑमलेट, दो हाफ फ्राई, दो फुल फ्राई और चार फ्रेंच टोस्ट और सात फुल 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 मीठी चाह, सब कुछ इधर पेश करो। साहब जी मैं वफादार हूँ, गरदार नहीं। मैंने मिलिट्री का नक्शा मांग लिया तुझसे, वफादार नहीं। एक बात कर रहा है, भूख से बुरा हाल हो रहा है, सोच सोच के जल्दी से जा लेकर आ। यार प्लीज ला दे यार। आपकी शुगर ब्लड प्रेशर पहले ही कंट्रोल में नहीं। ओह नो। मराज साहब का हुक्म है, अगर आपने कोई बदपरहेजी की वो मेरी गर्दन काट देंगे। आप ये नाश्ता आराम से करें,
बर्तन में बाद में आके ले जाता हूँ। रशीद, ओ रशीद, ओ जिंदा रखने के लिए भूखा मार दोगे क्या? ये वो नाश्ता है जो खाना खाने से पहले खत्म हो जाता है। तो ये उबला हुआ अंडा खा खा के मैं खुद अपने आप को अंडा समझना शुरू हो गया। और ये ग्रीन टी, ये ग्रीन टी अंग्रेजों ने पता नहीं कहाँ से निकाल दी, बिक्की थी पानी गर्म करके बीच में रंग डाल देते। क्या करीबी रिश्तेदारों की शान में दावत रखी है और जिसकी वजह से वो आ रहे हैं उसको छोड़ के सब इनवाइटेड है। क्या कमाल फैमिली है नहीं मेरी। फैट फैमिली। ये लो। संडे को नाश्ता करने का अपना ही मजा है। पहले आराम से नाश्ता करो, उसके बाद आराम करो, और आराम के बाद भी आराम करो। नाश्ता करने के बाद बाजार से जाके कोई अच्छे से गिफ्ट्स ही लें, इस तरह खाली हाथ किसी के घर जाएंगे क्या? अब तुम मुझे मौका दे रही हो वो बात करने का। कैसी बात? यही कि हम रिश्ता पक्का करने नहीं जा रहे, कोई केक कोई फ्रूट्स ले जाएंगे, पहले दोस्ती पक्की करेंगे, उसके बाद कोई अच्छे से गिफ्ट देंगे। देखो जरा इसकी उम्र देखो और इसकी खुशियां देखो, रात को तो इसके कमरे से शायरी की आवाजें आ रही थी। मुकर्रर मुकर्रर, मैं टीवी देख रहा था। अच्छा टीवी, बस इसी की कसर रह गई थी। क्या हो गया है मेरे बच्चे को? इनको वो हो गया जो हमें आपसे है, इश्क। ये सब आप ही के बढ़ावे का नतीजा है। देखो समीर, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो मजबूरन मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। मैंने अब क्या किया है? बर्दाश्त कर बेटा, जब माँ सास बनती है ना तो बेटों को ऐसे धचके बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये तो शुरुआत है, इसके बाद आगे अंधेरी रात है। डैड, सीमी सास बने ना बने लेकिन अभी से ये फरमाबरदार शोहर बन चुका है। इसको एक ही काम है और इसके मुंह पे सिर्फ एक ही नाम होता है, मोना मोना मोना। डैड ये देख रहे हैं, ये आराम से आग लगाकर फिर तेल छिड़कती है। कुछ गलत भी नहीं है, महसूस तो हमने भी किया। डैड आप भी, मेरी गलती। ओ, समीर नाश्ता तो कर लो, इसको क्या हो गया? एसी की कसर रह गई थी, गया मेरा बच्चा मेरे हाथ से। सिमी अभी तो सिर्फ वो डाइनिंग टेबल से गया है। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मैंने क्यों कहा यार? नाश्ता कर। जल्दी जल्दी खाएं। क्या निगलना शुरू कर दूं? किस बात की जल्दी है? सब ठंडा हो जाएगा तो फिर से गर्म हो जाएगा, प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे घर जाना है ना, बहुत सारे काम है भाई। तुम्हें काम है? जी हाँ, आपको पता है चाचा रशीद से अकेले नौकरों से काम नहीं करवाया जाता। ऐसा कौन सा काम आ गया घर पे? वो घर पे खाना रखा है बाबा ने मेरे कोमा में जाने की खुशी में। वो आप ही का अफसोस कर। अब तक अल्लाह माफ करे। मेरा मतलब है कि वो अहमद के दोस्त है ना, क्लास फेलोज, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं आप ही का पता करने बाबा के पास। वाह वाह वाह, क्या करीबी रिश्तेदारों की शान में दावत रखी है और जिसकी वजह से वो आ रहे हैं उसको छोड़ के सब इनवाइटेड है। क्या कमाल फैमिली है नहीं मेरी। अरे भाई अब आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसे ऐसे तो नहीं जाने देंगे, आखिर बटों की शान में गुस्साखी होती है। वाह 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 वाह, हम बट्टों का जितना ध्यान अपनी खुराक पे होता है ना, इतना अपनी औलाद पे होना तो हमारी जिंदगी बदल जाए। तो आप इतना क्यों बोल रहे हैं? आप ही की खैरियत पता करने आ रहे हैं। तो यहाँ अस्पताल में आके मुझसे पूछे ना। उन्होंने बाबा से करनी है, आप अभी इतने मौजज़ नहीं हुए। जान जी निकल जाए यहाँ से, नहीं तो प्लेट मार के तेरा सर फाड़ दूंगा। अभी कभी निकल। अब आपको फिर से दौरा पड़ रहा है ना? मुझे ऐसा शदीद दौरा पड़ा है जो ना मुलतवी होगा और ना ही रुकने वाला है। मैं अस्पताल से सीधा जेल पहुंच जाऊंगा और तू कब्रिस्तान। वफात पा जा यहां से, निकल जा यहां से, चली जा, चली जा। इसको
उसको पास जाने की पड़ी है, दावते और पाटिया करने की पड़ी है, यह बेटा कोमे से निकल के बड़ा है, उसकी किसी को नहीं पड़ी है। ये मेरी जान लेके देंगे। मैं भी शायद प्यारी बच्ची, तुम गवार है ना, उन्होंने मुझे भूखा मार दिया। अगर मुझे खाने के लिए मिल जाता तू मेरा सोनू, जल्दी दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा मेरे सोनू, मेरी जिंदगी, मेरी जान, दादा के लिए पार्सल ले आया, किसी को बताएगा तो नहीं ना? कभी नहीं। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। अभी मैं ये खा के ना अपने प्यारे बच्चे को ना इतनी बड़ी चॉकलेट दूंगा, सच बच्चा खुश हो जाएगा। दादू थोड़ा स्माइल। दादू जी, मैं दादू को बताने जा रहा हूँ और साथ में बाबा को भी। दादू बाबा, आपके लिए एक चीज लेकर आया हूँ। दादू सोनू, देखो बेटा ना बताओ किसी को, सोनू मैंने नहीं, सोनू सोनू पता चलता तो चलता रहे, मैं ही नहीं छोड़ूंगा। जाओ खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। समीर मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारी अम्मी के सामने, मुझे शर्म आएगी। आई नो वो किसी को कुछ नहीं कहेंगी, मगर मैं तो कॉन्शियस हो जाऊंगी ना। समीर अगर तुम्हारी अम्मी को मैं पसंद ना आई तो, ओ गॉड मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, तुम फोन बंद करो, मुझे तैयार होना है। ओके बाय। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किसी को भी नहीं पता कि जिनके एजाज में इतना खाना बन रहा है वो तो मेरे होने वाले सास ससुर हैं। उफ अल्लाह, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, क्या करूं। भाई डॉक्टर कह रहे थे आप कल घर जा सकती हैं। आराम हो रहा है बेटे, डॉक्टर को कहो कि भाई अभी एक दो दिन और आराम करें। यार भाई हद हो गई है, वहां मेरा सुसर घर खाने पे आ रहा है और आपको यहाँ पे रुकने की पड़ी हुई है। अच्छा नहीं, वरना जल्दी जवाब मिल जाता, वो भी साफ। भाई अच्छा अच्छा बोले, आगे मेरी जान अलग में अटकी हुई है। जान को इजी करो बेटा, वो जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं वो भट्टों के घर दावत पे जा रहे हैं, वहां होंगी उनकी खातिर मदारते, तो वो हो जाएंगे हमारे फैन, तेरा काम हो जाएगा आसान। भाई अभी तक लड़की को पता नहीं है और उसके घर वालों को खाने पे बुला लिए। घर वालों से दोस्ती हो जाएगी तो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे, तो मेरी लव स्टोरी का क्या बनेगा भाई? ओहो मेरे मोंगलू, पहले मैरिज कर ले फिर लव कर ले। भाई आपको पता है मैं सनिया से कितना प्यार करता हूँ। अरे मेरे अकल से भी पलवान भाई, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? जिससे तू लव करता है उसी से तेरी शादी हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात होगी मोंगलू। ऋषि चाचा, मैंने सारी डिशें टेस्ट कर ली हैं, ये कोई कमी पेशी। नया कुक तो बहुत जबरदस्त है भाई, कहीं जाने ना पाए। आप फिक्री ना करें जी, मैंने खुद टेस्ट किया है, नायक को हम देंगे एडवांस, वो हमारे आसाने तले आ जाएगा, फिर वो भागना चाहे फिर भी नहीं भाग सकता। वेरी गुड। अच्छा आप एक काम करें, वो फिश वाले दो टिक्के तो लगवाए उसे। जी अभी अभी लेके आया जी। भाभी तुम्हें क्या हुआ है? क्या मतलब भाई, तुम्हारी तैयारियों से तो लग रहा है ससुराल वाले तुम्हें ही देखने के लिए आ रहे हैं। भाभी वो पहली दफा हमारे घर आ रहे हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, आप क्यों तैयार नहीं हुई अभी तक? टाइम मिलेगा तो मैं भी बदलूंगी। अच्छा छोड़े, बताए मैं कैसी लग रही हूँ? माशूक, मेरा मतलब मशकूक, मेरी बातें छोड़ो, एक बात तो बताओ,
आज से पहले तो तुमने किसी भी मेहमान को इतनी इज्जत नहीं दी, किसी के सलाम का जवाब तक सीधे मुंह नहीं देती हो। एक मिनट, अहमद की सहेली का कोई भाई है? भाभी, ये कैसी बात कर दी आपने? उफ खुदाया, तौबा तौबा, ये कहने से पहले आप मर क्यों नहीं गई? मुझे शर्म आ रही है यहाँ खड़े होते हुए। ये दे दे, मैं जा रही हूँ। इतनी ओवर एक्टिंग। दाल में जरूर कुछ काला है, काला हो, पीला हो या नीला हो, पता तो मैं यूं चला लूंगी। तुम क्या समझती हो बेटा? मेरे तक क्या? तूने मुराद भट्ट की इज्जत को भरे पार्क में उछाला, दोस्तों और खैरों के सामने। बड़ा भागने का शौक है ना तुझे? बारा सिंह की औलाद, मैं तुझे बगा बगा के हफा हफा के मारूंगा। फैट फैमिली। अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम अलैकुम। मैं हुस्ना हूँ जी, अहमद की भाभी। मैं सीमी, सनिया की माँ। आप लोग खड़े क्यों? आप लोग प्लीज अंदर आए ना। जी जी, नो फॉर्मेलिटीज, हमारा अपने घर है। जी जी, इधर बैठिएगा। थैंक यू। तो तेरे घर के गेट पे पहुंचा था, तू मेरे घर में घुस आया है। ये जिस किस्म का वहशियाना मुजाहरा तुम कर रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो भूल भी चुका हूं दोस्त। आ चुप मुनाफिक, तुझे याद नहीं है लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं? तूने मुराद भट्ट की इज्जत को भरे पार्क में उछाला, दोस्तों और खैरों के सामने। बड़ा भागने का शौक है ना तुझे? बारा सिंह की औलाद, मैं तुझे भगा भगा के हफा हफा के मारूंगा। जो हो गया उसको भूल जाए। ना खुद भूलूंगा, ना तुझे भूलने दूंगा। मुझे तेरा कत्ल करके इश्तिहारी बनना है डॉक्टर। भाभी, ये हो क्या रहा है? प्लीज आप बताएं, ये सब क्या है? और ना भाभी जी, ये क्या समझाएगा? आप जरा दो मिनट इंतजार करें, बेवा होके ही जाइएगा। हेलो, बस बहुत हो गया है। अरे अभी तो शुरू हुआ है, तूने बट का खलाक नहीं देखा दुश्मना? मैंने तो सोचा था कि तेरे घर में घुस के तेरा गरूर खाक में मिलाऊंगा, लेकिन अच्छा किया तूने खुद ही अपना सर शेर के मुंह में डाल दिया। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया ना, तो हिलना नहीं इधर से, इधर ही था। आफताब प्लीज चले यहां से, ये पागल खाना है, बच्चे मत बने। ओ ऐसी की तैसी इसकी। आंटी आप घबराएं नहीं, मैं आपके लिए पानी लाऊं। ये पागल वहशी इंसान कौन है? ये मेरे पापा और मैं मोना। दोस्तों किस्सा कुछ यूं है कि हमारे फरमाबरदार नौनिहाल बहादुर लड़के को एक नाजुक परी मासूम लड़की से इश्क हो गया है। तालियां। ओ डॉक्टर, कलमा पढ़ ले। ओए मुराद, छोड़ बंदूक, इधर से कर, क्या कर रहा है तू? पापा हट जा वरना मैं आज अपने हाथों खुद यतीम हो जाऊंगा, छोड़। नहीं नहीं नहीं,
ही। सिमी, सिमी, सिमी। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ मुराद भट्ट, मैं तुझे छोड़ूंगा। मैंने तो चलाई भी नहीं। रशीद, अब भाभी के लिए पानी लेके आओ। मेरे लिए भी। Quiet! तुम दोनों को मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर आइंदा तुम में से किसी ने उस पागल खानदान में किसी से राब्ता भी किया, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखूंगा। And समीर, I'm warning you. Dad, आपकी बात ठीक है, I admit it. लेकिन आप एक बात मुझे खुद बताएं कि इसमें मोना का क्या कसूर है? उसका कसूर क्या है? तुम्हारी माँ सदमे से बेहोश पड़ी है, तुम्हारे बाप को आज वो गोली मार चुका होता और तुम कह रहे हो उसका कसूर क्या है? और एक बात और, और इस बात को आखिरी समझना, अगर आइंदा इस घर में तुमने उस मोना का नाम लिया तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी और इस घर से हमेशा के लिए आग कर दूंगा। Is that clear? Okay, Dad, please relax. आप जैसे कहेंगे ना हम वैसे ही करेंगे। सिमी, तुम्हारे साथ भी उस डॉक्टर का कोई बच्चा पढ़ता है? बाबा मेरे साथ नहीं, नहीं तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपने भाई को बता दो कि अगर उसने आइंदा उस डॉक्टर की बेटी से कोई बात की ना, तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी बात होगी। और उसे ये भी बोलो कि वो कल के कल अपना कॉलेज बदल ले। मगर बाबा। चुप, ना कोई सवाल, ना कोई वजाहत, ना कोई अगर मगर। अगर अहमद ने मेरी बात ना मानी ना, तो पहले मैं उसको गोली मारूंगा, फिर उस डंगर डॉक्टर को, और फिर अपने आप को। बेवकूफ समझ रखा है, बारह सिंह की औलाद। बेटी के दोस्त के घर फूल लेके आ गया है। और कैसी बेटी है जिसके दोस्त है? और ऐसी बेटी को तो मैं काट के फेंक दूं। कॉलेज में लड़कियों की कमी है कोई? मुराद, असल बात बता, डॉक्टर ने तेरे साथ किया क्या है? मुझसे दुश्मनी करने की गलती की है उसने। वो तो नजर आ रहा है, पर दुश्मनी की वजह बता। मेरी इज्जत और मेरी गैरत को उसने बड़े बाजार में उछाला है, मेरे दिल में कील ठोके उसने बाबा। वो तो ठीक है, पर कैसे? अब आपको मैं जलील और रुसवा होकर दिखाऊं कैसे? यार पुत्र, मेरा मतलब ये नहीं है। और तेरी दोनों इज्जतें तेरे सामने बैठी हुई हैं। उसने तुझे ऐसा क्या रुसवा किया और कैसे किया वो बता। मैंने कहा ना बाबा, ना सवाल ना वजाहत। अगर आइंदा किसी ने यहां से उस आफ्ताब वहाब डंगर डॉक्टर से राब्ता किया या राब्ता करने वालों की मदद की, तो पहले मैं उसको मारूंगा, फिर सबको, फिर अपने आप को गोली मार दूंगा। ओ पर क्यों? क्योंकि मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। पर ये जो तू केक खा रहा है वो कौन सा तू बदला ले रहा है? और ये जो केक है ये भी तो तेरे दुश्मन का दिया हुआ है, ये तो बड़े मजे ले लेके खा रहा है। बाबा रिस्क की बेहरमती तो नहीं हो सकती ना? दुश्मनी दुश्मनी होती है, केक केक होता है। तेरे फलसफे के सदके जाऊं। एक वैसे अच्छा लेके आया। आज पहली बार मैंने बाबा को बहका बहका देखा। बेचारों की उम्र हो गई है। बाबा की, अब्बा जी आपकी नहीं। चल पुत्र, तू भी अंदर जा। वैसे ये तू बनी क्या हुई है? हैं? मैं ये सोच रहा था उस वक्त कि वो सलीम को देखने आए या तुझे लेने आए। वो बस मेरा वैसे ही दिल कर रहा था तैयार होने को, तो मैं तैयार हो गई, और ऊपर से मेहमान आ गए तो बहाना भी मिल गया। चले मैं अभी चलती हूँ और मैं सेल्फीज लेके आती हूँ, आज तो मैंने सेल्फीज भी नहीं ली। ठीक है बेटा, देखना, लेते हुए डर ना जाना। बेटे जी, ये काली काली चॉकलेट ही होती है ना? जी हाँ, अच्छी बनाई है। वैसे ये भी कह रहा था कि डॉक्टर ने अच्छा केक बनाया है।
तो फैमिली सारी दुनिया करेगी एक ही बार, फैट फैमिली हा 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 हा, फैट फैमिली। यार बट तेरी जिंदगी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह थी जो अब रंगीन होने जा रही है, अच्छी तरह देख और समझ उसको। हमारी नस्लों में कोई मोटा नहीं, तुम्हारे बच्चों की टेंडेंसी ऐसी होगी तो सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। सिमी ने मोना को मोटा खाया, उसका मजाक बनाया, अब मोटा होके मैं दिखाऊंगा। सनिया मैं इतना खाऊंगा और तब तक खाऊंगा कि जब तक मैं मोटा नहीं हो जाता या मैं मर नहीं जाता। सुर सिर्फ साज में नहीं चपेड़ में भी होता है, तेरे कानों में होने वाली ये साएं साएं तुझे एहसास दिलाएंगी कि मैं ही तेरा शोहर हूं। समीर चलती हूं। मोना लिसन टू मी। समीर लेट मी गो। मोना मुझे कुछ कहना है। समीर मुझे कुछ नहीं सुनना। भाई उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, अब हमारा रिश्ता नहीं होगा, आप जल्दी से आ जाए बस। आप ठीक है? जी जी जी।